नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने सी हेल्थ के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में। आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप उन बीमारियों से अवगत हो सकते हैं, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे होली के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, होली आ चुकी है और होली के त्यौहार और मिठाइयों के बिना तो होली पूरी ही नहीं मानी जाती है और रंगों के बिना तो होली अधूरी है। इन्हीं सब आज विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर बी के अग्रवाल, जो कि सीनियर फिजिशियन है और MD मेडिसिन है, साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले दर्शकों, हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि होली है, होली की पहले मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगी आपको होली की, और इसके साथ में बात करना चाहूंगी होली की अगर हम बात करें तो होली तो रंगों के बिना अधूरी है, तो मैं होली के रंगों के बारे में आपसे सबसे पहले बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपको CTB परिवार की ओर से, मेरी ओर से, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये त्यौहार रंगों का त्यौहार है और खाने पीने का त्यौहार है, जी। और शायद हम दो ही विषय पर चर्चा करेंगे जी। और रंगों की जहाँ तक हम बात करते हैं, देखिए पहले होली का जो ट्रेंड था और आज का होली का ट्रेंड है, मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, पहले मुझे लगता था कि जो होली का कलर यूज़ था और होली का मनाने का तरीका था जी, खुशियों का त्यौहार है, कहते हैं कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पे, ये एक त्यौहार है जी। तो बेसिक ये है कि पुराने टाइम पे उतना कलर्स में एडल्ट्रेशन नहीं था जी। शायद हमें नहीं याद है कि करीब 15-20 साल पहले हम ये बात करते थे कि रंगों से भी कोई नुकसान हो सकता है जी। आज के टाइम पे आपने जैसे मेरे से सवाल पूछा कि रंगों से क्या नुकसान हो सकता है जी। और कारण ये है एडल्ट्रेशन जी, रंग में मिक्सिंग जी। बहुत सारे आप ब्रांडेड रंग की बात ले लें तो ठीक है, बट होता क्या गया, धीमे धीमे करके जो एडल्ट्रेशन का जो नॉर्म्स आए और वो सब आए, तो गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी उस पर अपना वो मानक लगाए, लेकिन फिर भी इस एडल्ट्रेशन की वजह से रंगों में मिलावट होती है। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि उससे क्या नुकसान हो सकता है जी। कोई भी कलर हम कोई भी यूज़ करते हैं तो किसी को भी स्किन एलर्जी का खतरा रहता है, यानी कि डर्मेटाइटिस हो सकती है। दूसरा, कोई भी रंग हम यूज़ करते हैं, किसी को सिंपल एटॉपिक एलर्जी हो सकती है। एलर्जी का मतलब होता है कि सडनली उनके रंग पास में गया भी, हल्का सा नेल किया और तुरंत सांस फूलने लगी, अस्थमा की शिकायत होने लगती है। प्लस बहुत सारे लोगों को इतना कलर फोबिया होता है कि उनको लगा के ही उनको पसीने छूट जाते हैं और घबराहट होती है। तो एक तो ये कि जो आदमी इंसान कह रहा है कि भाई जो रजामंदी है तो वहाँ आप रंग का यूज़ करें, नंबर एक। नंबर दो, जितने भी कलर हैं आप कोशिश करिए ऑर्गेनिक कलर, हर्बल कलर यूज़ करिए, फूलों के रंग से बनते हैं, सब्जियों से बनते हैं जो कलर, आप उनको यूज़ करिए। कलर को कोशिश करिए, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मिक्सिंग है वो मिक्सिंग, उसमें कई सारे जो मैंने सर्च किया तो ऐसा पाया गया कि उसमें लेड ऑक्साइड है, उसमें मरकरी कंपाउंड्स हैं, ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगर पेट में पहुंच जाता है तो दिक्कत होती है, सांस की नली में पहुंच जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो कोशिश करें हर्बल कलर, गुलाल जिसका भी यूज़ करें, डर्मेटाइटिस नहीं हो तो आप स्किन पे कम से कम यूज़ करें कि भाई स्किन पे दूसरे के कलर नहीं लगाना जी। उन चीज़ों का ध्यान रखें। रंगों का त्यौहार है, नो डाउट। दूसरा, मैंने देखा है कि होली के त्यौहार पे रंग प्लस पानी, पानी किसी भी चीज़ में आप प्लास्टिक में भर के डालते हैं, आप बैलून में भर के डालते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आजकल जो सीवरेज और इन सब की समस्याएं हो रही हैं, तो ये बैलून और प्लास्टिक, इनका यूज़ आज का मेरा ये समीशन है कि ये कभी नहीं यूज़ करें, क्योंकि इनसे अपना बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने पर्यावरण को हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम अपने सीवरेज को हो रही हैं। तो ये कोशिश करें कि इनका यूज़ ना करें। देखिए बच्चों को हम, बच्चे यूज़ करते हैं जी, बच्चों को हम समझा सकते हैं जी। आप TV पे प्रोग्राम दिखा सकते हैं कि देखो ये क्या आ रहा है भाई, ये डॉक्टर बी के अग्रवाल मना कर रहे हैं, CTV हमारा मना कर रहा है, तो आप नहीं यूज़ करें। तो ऐसे करके आप बच्चों को मना सकते हैं कि भाई आप जो है पानी से होली खेलिए। लेकिन होता गया है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम वाटर का कंजर्वेशन कर रहे हैं, ये मैं लीक से हटके जरा सी एक बात कह रहा हूँ,
कि डॉक्टरी भाषा से हटके जी हम पानी का कंजर्वेशन कर रहे हैं। होली पे बहुत ज़्यादा पानी का कंजम्पशन होती है, इस्तेमाल होता है जी, हमें उसको बचा के चलना है। अगर हम रंग वैसे वाले यूज़ नहीं करेंगे, जो ऐसे कलर हैं जो लगाए जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा छुटाने में पानी लगता है, तो शायद हम अपने उस पानी को भी बचा लेंगे जी। तो मेरा अपना ये, मैंने ये बहुत ही थॉट दिया कि क्या हम अपने होली के त्यौहार पे पानी को भी सेव कर सकते हैं। हाँ, अगर हम हर्बल कलर यूज़ करते हैं, अगर हम गुलाल ओढ़ने वाले कलर यूज़ करते हैं, तो हम इनको पानी के अननेसेसरी वेस्टेज से शायद हम उसको भी कंजर्व करने का एक तरीका है। और ये एक मैसेज है कि हम होली पे तो पानी को कंजर्व करें, शायद हम पूरी साल करेंगे, पूरी साल करें। तो ये एक मैसेज है मेरा, रंगों का यूज जैसे मैंने बताया वैसे करें जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर्बल का अगर हम यूज करते हैं, हर्बल कलर का, तो हम अपने साथ में स्किन को भी बचा सकते हैं, साथ ही हम पानी का भी बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर। इसके साथ में बात करना चाहूंगी डॉक्टर मिठाइयों की, क्योंकि हमारे भारत में कोई भी त्यौहार आए तो उसमें मिठाइयाँ तो जरूर होती ही हैं, और इस मौसम में और इस जो त्यौहार पे सबसे ज्यादा मिठाइयाँ खाई जाती हैं। तो मैं बात करना चाहूंगी, अगर जो इस फेस्टिवल में जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग मिठाई अगर खाते हैं तो उनको किस तरीके से मिठाई नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, होली का त्यौहार है, मिठाई तो खानी है जी, चाहे कुछ भी हो जाए, गुजिया खानी है जी। ये मिठाई, होली मतलब गुजिया, गुजिया, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमारे देश में आजकल लगभग 7.5 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं जी। 8.5 करोड़ की संख्या प्री डायबिटीज से लोगों की है जी। प्री डायबिटीज का मतलब ये होता है कि अगर हम अपना लाइफ स्टाइल, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो तो हमारा समझ ही रहा है जी, वो तो अपने फिजिशियन, अपने चिकित्सक से पूरा डाइट का चार्ट और पूरा डाइट समझ के आए जी, फिर भी वो फॉलो नहीं करते तो उनका गलती है जी। लेकिन मैं फोकस उन पे कर रहा हूँ जो अपना प्री डायबिटीज से पीड़ित जो बच्चे हैं जी, 15-16 साल का बच्चा है जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की अपनी लेडीज़ हैं जिनको पता है कि हल्की फुल्की डायबिटीज़ है जी। तो ऐसे लोगों को अगर हम लाइफ स्टाइल तरीके से, यानी कि खाने पीना, एक्सरसाइज जी, और अपना वो व्यायाम डेली का, बैलेंस डाइट, वेट लॉस, ये एक 3 या 4 उसके मंत्र हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं जी, लगातार जी, तो ऐसा स्टडीज हुई हैं कि हम प्री डायबिटीज़ को 50% लोगों में डायबिटीज से जाने में रोक सकते हैं। तो आप समझिए, मैं ये सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने ज़्यादा गुजिया खाई तो वो जो प्री डायबिटीज़ के लोग हैं जी, वो उनका पूरा डाइट शेड्यूल खराब हो गया और वो डायबिटीज़ में चेंज होने का कगार पे आ गए जी। जो नॉर्मल इंसान है कि भाई मेरे को तो शुगर है ही नहीं, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ जी, लेकिन अपना जो शरीर है, जो जेनेटिक मेकअप है, जो हमारा जेनेटिक बॉडी का स्ट्रक्चर चला रहा है, हम मोटे हैं पेट से, हमारा विसरल फैट ज़्यादा है जी, हम ओवर वेट हैं जी, तो हमारा जो, देखिए आप, इंडियन बॉडी का स्ट्रक्चर, बाहर के लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर, वो 6 फिट के हैं जी, हम 5.5 फिट के हैं जी, वो 6.5 फिट के हैं इवन, तो उनका जो BMI है हमारे BMI के बराबर भले भी लोगों में, अपने इंडियंस में विसरल फैट ज़्यादा है, मींस अंदर का फैट ज़्यादा है, वो फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। तो हमें पता नहीं चलता कि भाई हम तो देखने में अच्छे लग रहे हैं, हम ओवरवेट नहीं है, हमारा BMI नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर विसरल फैट ज़्यादा है और हम जेनेटिकली ऐसे एटम बॉम्ब पे हैं कि वो डायबिटीज़ के लिए आगे चल के किसी भी टाइम खतरा बन सकता है जी। तो मेरा मैसेज ये है कि जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनके लिए तो मीठा मना ही है जी। क्यों? क्योंकि जितना भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी चीज़ का ज़्यादा होता है, जैसे मिठाई, जैसे और भी कोई मीठी चीज़, जैसे जूस, तो इन जैसे फलों में चीकू, केला, ये जो चीज़ें हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से तेजी से शुगर का बढ़ना होता है जी। आजकल का अभी जो लेटेस्ट स्टडीज हुआ है तो उसमें एक शब्द आया है, अंग्रेजी में बता रहा हूँ, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, उसका मतलब ये होता है कि हमारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है जी। तो अभी क्या है डायबिटीज़ के पेशेंट में, एक हमारा ब्लड शुगर का लेवल ऐसे रहना चाहिए, एक समान। अगर हम एक समान ब्लड शुगर का लेवल करते हैं तो जितने भी हार्ट इफेक्ट हैं, जितने भी किडनी इफेक्ट हैं, जितने भी डायबिटीज़ से आंखों पे इफेक्ट हैं, जितने भी नसों पे इफेक्ट हैं, उन सब को हम बचा लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम त्यौहार के दिन गुजियाँ खाते हैं, अगर हम मिठाई खाते हैं, जूस पीते हैं, ठंडाई में मीठा पीते हैं जी, इन सब से डायबिटीज़ में बढ़ेगा
हमारा जो 3 महीने का एवरेज शुगर का जो टेस्ट होता है वो डिस्टर्ब होगा, हमारे जो कॉम्प्लिकेशन है आगे चल के आज नहीं पता लग रहा है, 1 हफ्ते बाद अपने फिजिशियंस के यहाँ गए, चिकित्सक के पास गए, डायबिटीज की दवाई की थोड़ी सी डोज चेंज कर दी, उन्होंने आप ठीक हो गए, बट लेकिन जो वेरिएशन आया वो आपके नसों पे इफेक्ट कर गया, तो इसलिए आगे चल के वो आपको परेशानी देगा। तो ऐसे में क्या करें कि एक समान लेवल रखें। हाँ, मिठाई को कैसे खाना है, आप थोड़ी बहुत मात्रा में कोशिश करिए जो कम मीठी चीज़ें हैं, कोशिश करिए कि आपको गुजिया की कैलोरीज ध्यान रखिए, मैदा घी ऊपर से उसके अंदर खोआ प्लस मीठा जी, चारों चीज़ें वो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उसमें कैलोरीज बहुत है, बहुत है। मेरे ख्याल में शायद पुराने टाइम पे वो इसलिए बनाते थे क्योंकि 20 किलोमीटर चलते थे, उनको उतना कैलोरीज चाहिए। हम आज पुश बटन गाड़ी है, पुश बटन मोटरसाइकिल है और उस पर हम चलते हैं, चलते हैं। बेसिक मेरा कहने का मतलब है कि हम अपनी कैलोरीज को खर्च भी तो नहीं करते जी, बिल्कुल सही कहा। वो 20 किलोमीटर चल के जब बाहर जाते थे गांव से सामान बेचने तब वो 4 गुजिया खाते थे, तो वो उसका अपना कैलोरीज जलाते थे जी। मेरा जो मतलब है कि ये कहाँ से ईजाद हुई जी, जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 4 गुजिया खाते थे और फिर अपने आप को पूरा दिन मेहनत करते थे, हम लोग नहीं करते, हमारा जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो मेरा अपना बस सिर्फ यही मैसेज है कि कम से कम कैलोरीज का ध्यान रखें, मीठा कम से कम मीठी वाली चीज़ लें, कोशिश करें कि सलाद वेजिटेबल्स के साथ में मीठा खा लें जिससे कि शुगर का लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ पाए जी। तीसरा, बाज़ार में जिस तरीके से शुगर फ्री, हाँ घर पे बना सकते हैं, शुगर फ्री पे बहुत सारी स्टडीज़ आ चुकी हैं जी। शुगर फ्री में कुछ नई शुगर फ्री चीज़ें आती हैं जैसे सुक्रालोज है, जैसे स्टीविया है, तो ये ऐसी चीज़ें नुकसानदायक नहीं है जी। प्रेगनेंसी में और बच्चों में हम शुगर फ्री को लेने से मना करते हैं, लेकिन शुगर फ्री से बने हुए आप मिठाइयों का सेवन करते हैं जी। सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि मार्केटेड जो शुगर फ्री आइटम्स हैं उसमें एक तो कैलोरीज ज़्यादा हैं टेस्ट बनाने के लिए, दूसरा कि वो ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में शुगर फ्री हो जी। क्योंकि कोई भी चीज़ एडल्टरेटेड होती है, जैसे हमने शुरुआत ही अपनी इस वार्ता की थी कि एडल्टरेशन जैसे कलर में, ऐसे इसमें भी तो हो सकता है, तो कोशिश करिए पूरी आप उसकी जानकारी रखिए तब शुगर फ्री लीजिए। घर पे आप कोई भी सामान बना सकते हैं, शुगर फ्री का आइटम अपना बना सकते हैं और वो आप खा सकते हैं। तो एक तो ये कि डायबिटीज़ के लोगों में जिनको डायबिटीज़ है, जो प्री डायबिटीज़ है, देखिए कष्ट कहाँ आए कि जब हम 14 साल के बच्चे को हम टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि उसको बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है जी। 14 साल के बच्चे में हम ये सोचते हैं, 13-14 साल का बच्चा है जो कि मोटा है और उसको हम ये सोचते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ ही होगी जी। जब हम टेस्ट कराते हैं तो ये पाते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, तो बड़ा दुख होता है जी कि 14 साल के बच्चे को, क्योंकि डायबिटीज़ का हम कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे आगे चल के जितना अच्छा कंट्रोल करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो कोशिश करें कि अपना एक स्टार्टिंग से ही बच्चे के लेवल पे जी, अगर हम आज अपने घर में ये मैसेज देते हैं कि आपको मिठाई का किस तरीके से खाना है, आपको डाइट का कैसे बैलेंस डाइट लेनी है, तो आज हम अपने बच्चे के लेवल पे हम अगर बचाव करते हैं तो हम उनकी लाइफ की लॉन्जेविटी को बढ़ाते हैं जी। हम उनको आगे आने वाले कष्ट से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जिस तरीके से मैं अपने कुछ फैमिली में देख रहा हूँ, जो IT पर्सनल्स हैं, जो और भी लोग हैं, उनका इतना शेड्यूल ख़राब है, उनका इतना लाइफ स्टाइल मैनेज वो ख़राब है कि दिन भर फास्ट फूड और पिज़्ज़ा पे रहते हैं, टिफ़िन होता नहीं है, खाना खा नहीं पाते हैं, ओवर नाइट काम कर रहे हैं जी। नो डाउट सैलरी अच्छी मिलती है लेकिन उनका इतना लाइफ स्टाइल ख़राब है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर वो पहले से जेनेटिक मेकअप में हैं, पहले से बचपन में उनको प्री डायबिटीज़ की शिकायत है, ऊपर से हमने लाइफ स्टाइल अपनी ख़राब कर दी जी, सर्टेनली डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो हमें उस तरीके से अपने बच्चों को भी मेकअप करना है। तो आज का त्यौहार पे, होली पे ये मैसेज है कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से बनाएं कि भाई आपको ये आप दे दनादन सुबह से 10 चॉकलेट खाए जा रहे हैं 5 स्टार या कोई भी और ब्रांड जी। तो ये इसमें कितनी कैलोरीज पहुँच रही हैं जी। आप कोशिश करिए वेजिटेबल्स फ्रूट्स इस टाइप की चीज़ों को अगर हम बचपन से अगर उनको आदत डालते हैं तो आगे चल के उनको इसी चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी जी। तो मैंने देखा है, मैं सिर्फ इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि आगे WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका उसका प्रेडिक्शन ये है कि आगे 15 साल में हिंदुस्तान में ये जो आज 7.5 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं ये आगे करीब करीब 11 करोड़ हो जाएंगे।
12 और 15 साल के आगे, ये डाटा है 2035 का। तो मैं सिर्फ ये इसलिए त्यौहार के दिन ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। दूसरा, आपने जो पूछा कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जितना भी चेस्ट के जो भी रोगी हैं उनको कोशिश करें कि ये जो एडल्ट्रेटेड फूड है, देखिए कोई भी बाहर का खाना लाइक ठंडाई भी, कुछ लोग कहते हैं खोआ स्टार्च से बनता है, सब वो भी एडल्ट्रेटेड है, दूध यूरिया से बना सकते हैं, आप पेपर में देखते ही होंगे, मैं तो आपकी न्यूज़ सुनता हूँ, मैंने देखा है कई लोग जो बीच में खोआ हुआ पकड़ा गया है, आज मैंने देखा कि वो नकली शराब भी पकड़ी गई है। तो बेसिक ये है कि एडल्ट्रेशन तो है ही जी। अब उस एडल्ट्रेशन को बस पहचानिए, ऐसी सेम, क्योंकि जितना भी एडल्ट्रेशन होगा आप वो चीज़ खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। किसी भी बीमारी में अगर डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, अगर कोई भी और तकलीफ लगती है जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है और ख़तरा होता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर बी के अग्रवाल, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि होली के त्यौहार पर जो डायबिटीज के बाद अस्थमा के जो मरीज होते हैं वो किस तरीके से अपनी देख रेख कर सकते हैं, किस तरीके से वो इन चीज़ों से बच सकते हैं कि इस मौसम में अगर वो बीमार ना पड़े, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मगर दर्शकों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर बी के अग्रवाल, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं होली के बारे में। होली के त्यौहार पर डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो होते हैं, अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो मिठाई ज़्यादा खाते हैं या मिठाई नहीं खाते हैं तो उसके उनको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ। मैं जानना चाहूँगी, आपने इसे बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के बारे में बताया, अगर वो मिठाई खाते हैं तो उनको किस तरीके से नुकसान पहुँचाती है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अभी हम ज़्यादा खा लेते हैं, इसके बाद हम इंसुलिन अपनी बढ़ा लेंगे या दवाई ज़्यादा खा लेंगे तो वो हमारा लेवल में हो जाएगा, वो अपने आप ये सोच लेते हैं। तो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि वो ज़्यादा अगर वो खाते हैं, अगर इस तरह की सोच वो अपने मन में धारण करते हैं तो वो उनको किस हद तक नुकसान पहुँचा सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, अक्सर मैंने ये देखा है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी, कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं जिनको लंबा डायबिटीज़ हो जाती है, लाइक 4-5 साल उनको हो जाते हैं जी, तो काफ़ी कुछ डॉक्टरों के माध्यम से उनको जानकारी भी हो जाती है जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने, आपके डॉक्टर ने अगर डायबिटीज़ की गोली प्रिस्क्राइब की है, सुबह शाम ले रहे हैं जी, और अगर उनको देखा कि शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ चल रहा है जी, और या नॉर्मल भी आ रहा है जी, फिर भी मीठा खा लिया जी, तो वो अपने 2-3 दिन उन्हें अभी तो त्यौहार चल रहा है, मिठाई खा लो और एक गोली एक्स्ट्रा और खा लो जी। मेरा अपना सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना है कि ऐसी गलती ना करें जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी जो डोज है आपको नहीं पता है कि आपके डॉक्टर ने किस लेवल की आपको डोज प्रिस्क्राइब की है जी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि शुगर को बैलेंस करती हैं जी, तेज़ी से अंदर रिसेप्टर पे काम करके इंसुलिन को रिलीज करने वाली दवाई सेकंड टाइप की होती है जी। तो अगर आपने जो बैलेंस करने वाली मेडिसिन है वो आपने डबल डोज में ले ली जी, तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा जी, क्योंकि वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर रही है जी। लेकिन अगर आपने जो इंसुलिन रिलीज करने वाली मेडिसिन है आपके डॉक्टर ने अगर आपको पहले से ही मैक्सिमम डोज में प्रिस्क्राइब की हुई है और अगर आपने उसको एक गोली को और ले लिया जी, तो आपकी वो डबल डोज हो गई उस मैक्सिमम डोज की जी। तो किसी भी टाइम तक वो जब भी इंसुलिन रिलीज होता है तो वो इंसुलिन रिलीज होता रहता है 24 घंटे के लिए जी। 24 घंटे में कभी भी आप उस लो शुगर के शिकार हो सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जितनी देर शुगर बढ़ी है, आपने मीठा खाया, मैंने बताया कि ग्लाइसेमिक एक्सकर्शन उसको बोलते हैं जी, कहने का मतलब है कि ब्लड शुगर लेवल उतनी देर बढ़ा रहा तो आपका जो 3 महीने का एवरेज शुगर वाला है वो एक तो डिस्टर्ब होता है, दूसरा उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उसका ध्यान रखें कि कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपना, देखिए जो डायबिटीज़ में पतले लोग होते हैं, नॉर्मल वेट लोग होते हैं, उनका अपना डाइट का कैलोरी अलग है, जो मोटे लोग होते हैं उनको डॉक्टर वेट लॉस प्रोग्राम में रखते हैं जी। जैसे BMI अगर 30 से ज़्यादा है, यानी कि उनका वेट ऐसे मानिए 80-90 से ज़्यादा किलो है, तो डॉक्टर डाइट का
प्रिस्क्रिप्शन कैलोरी का वेट के अकॉर्डिंग रखते हैं कि भाई आपको कैलोरी कम लेनी है, आपको टहलना है और डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेनी जी। लेकिन अगर वो ओवर कैलोरी आइटम लेते हैं, लाइक मीठा खा लिया, खोआ है, उसमें दूध भी है, ये जी, भी जी। है, तो वो उसका उनका ओवर कैलोरी आइटम है, तो वो वेट लॉस प्रोग्राम से बाहर हो गए फिर, क्योंकि कैलोरी ज़्यादा ले ली जी। तो वो भी एक फ़र्क है। तो ये तीनों इसके नुकसान है, प्लस ओवर मीठा, डायबिटीज़ की ओवर डोज। कभी कभी क्या होता है कि कुछ शुगर की दवाइयाँ होती हैं जिनसे कि एब्डोमिनल डिस्टरबेंस होते हैं, वो पेट में थोड़ी सी परेशान करती हैं और धीमे धीमे करके उनकी हैबिट हो जाती है, फिर वो नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर आपने डबल डोज ले लिया तो वो पेट को भी नुकसान कर सकती है, उधर शुगर भी लो कर सकती है, इधर पता लगा आपको डायरिया हो गया और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा जी। कोशिश करें कि आप डाइट का ही कंट्रोल करें और दवाई आप डॉक्टर से पूछ के चेंज करें जी। ऐसे ही मैंने इंसुलिन के रोगियों में मैंने देखा है कि इंसुलिन के रोगी कभी कभी उनको उतनी जानकारी नहीं होती, इसके बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, वो तो समझ जाते हैं पूरी चीज़ कि हमारे डॉक्टर ने 2 यूनिट इंसुलिन बढ़ाया है। मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर मीठा खा लिया तो 10 यूनिट इंसुलिन लगा रहे थे पहले, आज उन्होंने 20 यूनिट इंसुलिन लगा लिया, पता लगा रात को उनका लो शुगर में चले गए। 20 यूनिट क्यों लगा लिया? उनको नहीं पता इंसुलिन किस टाइप का है। कई तरीके के इंसुलिन आते हैं, एक इंसुलिन आता है जो खाना के साथ लगाते हैं, उसका थोड़ा सा डोज ज़्यादा लेके और आपका ब्लड शुगर का लेवल थोड़ी देर के लिए मेंटेन होता है। दूसरा इंसुलिन आता है जो 24 घंटे के लिए काम करता है, रात को लगाना है, सुबह का शुगर भी मेंटेन करेगा, पूरे दिन भी काम करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने रात को जो आपको डॉक्टर ने 10 और 12 यूनिट लिखा है और आपने सोचा कि हमने मीठा खा लिया, 20 यूनिट लगा लिया, मतलब लगा आप रात को लो शुगर में चले गए। क्यों? क्योंकि पहले से भी आपका शुगर मेंटेन कंट्रोल चल रहा था, तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप अगर इतना शुगर आ जाए तो इतना लगा लें, दैट इज़ ओके, आप उसको अच्छी तरह समझे हुए हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप अनजाने में आप ये गलती करते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है और ये लो शुगर का खतरा भी हो सकता है। एक तरफ तो मैंने बताया ज़्यादा शुगर के नुकसान जी, एक तरफ बता रहा हूँ लो शुगर के नुकसान। स्पेशली वो लोग जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, जिनका 70-75 साल के जो लोग हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है कि उनको लो शुगर के लक्षण नहीं पता लगते जी। लो शुगर का लक्षण क्या है? जैसे घबराहट, बेचैनी होना, पसीना आना, हाथ पैर कपकपाना, तेजी से भूख लगना, हल्का सा मेमोरी डिस्टरबेंस होना, रात को बहुत ज़्यादा सपने आना, ये सब लो शुगर के लक्षण हैं जी। जो यंग लोग हैं, 25, 30, 35 साल, 45 साल के जो लोग हैं, वो लो शुगर के लक्षण तुरंत ही पहचान लेते हैं। बोले मेरे डॉक्टर साहब ने बताया था कि लो शुगर के ये लक्षण होते हैं, उनके में लक्षण आने लगे तो उन्होंने या तो मीठा खा लिया या शुगर चेक की, देखा तो शुगर कम है जी। ओल्ड एज के जो लोग हैं, जो 75 साल के जो पर्सन हैं, तो उसमें वो डायबिटीज़ की हाइपोग्लाइसीमिया की अनअवेयरनेस होती है, यानी कि उनको पता ही नहीं लगता जी। अगर वो लो शुगर में है तो उनको पता नहीं लगेगा, तो उनको पता ही नहीं लगेगा तो वो किसी को ना तो जगाएंगे, ना किसी को उनको पता है कि भाई मेरे को लो शुगर हो रही है, पता लगा सुबह जगे तो देखा तो वो बेहोश है जी। वो जो लो शुगर है वो किसी भी टाइम तक कार्डियक प्रॉब्लम कर सकती है और भी दिक्कत कर सकती है। तो ऐसे में ओल्ड एज जितने भी पर्सन हैं उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कारण एक और बता दूं कि लो शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं लंबी अगर डायबिटीज़ है तो किडनी की भी प्रॉब्लम होती है। थोड़ा बहुत भी इंसुलिन बन रहा है तो वो किडनी से रिलीज़ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनका पहले से किडनी का प्रॉब्लम है। तो अगर जरा भी कोई इंसुलिन में चेंज करते हैं या डोज में, दवाई की डोज में डबल ले ली, तो तुरंत शुगर का लेवल नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए उसका ध्यान रखें, स्पेशली उस एज ग्रुप को बहुत संभालने की ज़रूरत है जी। दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो कृपया करके आप अपने आप से अपने इंसुलिन्स ना बढ़ाएं, डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना ये आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर्स के साथ में अगर बात करूँ, ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, क्या उनके लिए भी होली के जो त्यौहार होता है, जो मिठाइयाँ होती हैं, क्या उनको भी नुकसान पहुँचाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, डायबिटीज़ पर से जी, एज सच डायबिटीज़ के लोगों में ये देखा जाता है कि 40% लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं जी। डायबिटीज़ में ऐसा देखा जाता है कि लगभग 25% लोग हार्ट की प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं जी। आज के टाइम पे डायबिटीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल सही है कि ब्लड प्रेशर, या जिनको ब्लड प्रेशर पहले से है, जिनको कोई और बीमारी नहीं जी, हम जहाँ तक बात करते हैं खाने पीने के सिस्टम की, देखिए कोई भी त्यौहार हमारा, जैसे गुजिया, जैसे नमकीन चीज़, या जैसे
कोई भी और नमकीन आइटम, जैसे जैसे ये त्यौहार आता है तो वैसे वैसे नमकीन आइटम भी लोगों की खाने की क्रेविंग होती है, दवाई भी नहीं खा रहे हैं, डायबिटीज़ की दवाई भी छोड़ दी, ब्लड प्रेशर की भी दवाई छोड़ दी, चार दिन अपने त्यौहार में मस्त हैं या बिज़ी हैं या रिलेटिव्स में बिज़ी हैं या फेस्टिव को सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। एक मेरा मैसेज है कि ब्लड प्रेशर की दवाई या शुगर की दवाई या आपकी हार्ट की दवाई आप बिल्कुल नहीं छोड़ें, कोशिश करिए कि टाइम पे आपको मेडिसिन लेनी है। दूसरा, जितने भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि एक तो उन्होंने इधर फैटी चीज़ ज़्यादा खा ली जी, डॉक्टर ने आपका लिपिड प्रोफाइल कराया था वो डिस्टर्ब था आपके चिकित्सक ने, तो वो जो लिपिड प्रोफाइल है वो आप जितनी भी फैटी चीज़ लेंगे जो खोए से बनी है घी से बनी है तो आपका वो लिपिड प्रोफाइल लेवल डिस्टर्ब हो सकता है और आप पहले से ही लिपिड प्रोफाइल की मेडिसिन ले रहे हैं तो आगे आप टेस्ट कराएंगे तो उसमें परेशानी होगी, वो कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपको भी चिंता होगी और डॉक्टर को भी चिंता होगी जी। तो ऐसे में उनका एक तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, नमक की वजह से अगर नमक का सेवन ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ उतनी कारगर नहीं होती जो आप खा रहे हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी खतरा रहता है नमक की वजह से। तीसरा, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें अगर नमक की मात्रा ज़्यादा पहुँचती है, ऐसे हृदय रोगी जिनका कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, जिनका पहले से फेलियर की जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, पहले से उनकी पेशाब लाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो चल रही हैं जी, उनको नमक का सेवन अपना डॉक्टर चिकित्सक के हिसाब से खाना चाहिए। जितना कम से कम मात्रा में नमक लेते हैं तो वो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हार्ट प्रॉब्लम हमारी सेव होती है, हार्ट फेलियर का खतरा नहीं होता, नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर के रोगी नमकीन चीज़ का ध्यान रखें और साथ में अगर कैलोरी वाले ज़्यादा आइटम ले रहे हैं और उनको पहले से लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है तो उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा जी। तो उस उनके लिए भी ये चीज़ है। हाँ, थोड़ा बहुत आप करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है देन इट इज़ ओके, बट एक्स्ट्रा जो लोग मीठा वीठा खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा नमक खा रहे हैं, दवाइयाँ भी छोड़ रहे हैं, वो नुकसानदायक जी। डॉक्टर साहब, मैं हार्ट के पेशेंट्स की अगर बात करूँ उनको क्या समस्या देखी जाती है? देखिए, जितना भी हृदय रोगी हैं उसमें हम एक कॉमन बहुत सारी हृदय की बीमारियां होती हैं जो कॉमन है, हम दो भाग में बांट लेते हैं कि भाई एक इनको ऐसे हृदय रोगी जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है जी, जिनका हार्ट फेलियर की शिकायत है जी, चाहे तो डायबिटीज़ की वजह से हार्ट फेलियर की शिकायत हो, चाहे उनको पहले से हार्ट अटैक की शिकायत हो उसकी वजह से फेलियर की शिकायत हो, या तीसरा उनका ना डायबिटीज़ है ना कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई है लेकिन फिर भी उनका हार्ट पहले से वीक है, कार्डियोमायोपैथी उसको बोलते हैं जी। तो ऐसे लोग हैं, इनका पंपिंग कैपेसिटी जो इजेक्शन फ्रिक्शन है, एक जो टेस्ट है जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, वो उनका डिस्टर्ब होता है। जब वो कम होता है तो कोई भी ये चीज़ें डाइट का डिस्टर्बेंस, वो उनको अचानक सांस फूल जाती है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, सांस फूल रही है, ये जो बेचैनी है ये हार्ट फेलियर के सिम्टम होते हैं। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें पिंक फ्रोती बलगम आने लगता है और खांसी होने लगती है, तेज पसीना आ रहा है, ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, तुरंत हॉस्पिटलाइज ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि एक तो जो मेडिसिन है जो हार्ट फेलियर वाली, जो आपके डॉक्टर ने जो डायबिटिक और जो हार्ट की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं उनको वैसे ही लें। दूसरा, पानी, ठंडाई, लिक्विड, ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपके डॉक्टर ने पानी की लिमिटेड मात्रा बताई है तो आप वो उतना ही लें। तीसरा, खाने पीने की वस्तुओं में जो नमकीन पहुंच रहा है उसको आप काफ़ी हद तक अवॉइड करें। तो जो एक तरीके के जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनको नुकसान नहीं होगा जी। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा सा भी हार्ट के फंक्शन कम है तो वो और ख़तरा कि भाई हार्ट फेलियर के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको बचा के चलना है कि कैसे भी नमक की मात्रा उतनी ही लें जितनी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। जितने भी हार्ट रोगी हैं मेडिसिन अपनी त्यौहार के टाइम पे जरूर लेते हैं जी। डॉक्टर से बात करूं, अगर जो होली का जो त्यौहार है इसके बाद जो अगर पेशेंट्स जो आते हैं आप उनको बताते होंगे कि आपको किस तरीके से खाना है, क्या डाइट होनी चाहिए, उसके बावजूद अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो आपके पास पेशेंट्स किस तरीके आते हैं, वो कितनी ज़्यादा उनको ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम पोस्ट होली बात करें जी, तो प्री होली के हमने बचाव रखे हैं जी, पोस्ट होली अगर हम बात करते हैं तो अक्सर मैं ये देखता हूँ कि पेट खराब के रोगी इधर बढ़ जाते हैं जी।
फूड पॉइजनिंग, गेस्ट्रो एंट्राइटिस, मैंने देखा है होली के बाद अक्सर पेट के डिस्टर्बेंस वाले रोगी बढ़ जाते हैं, जिनको पहले से ही इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा तीखा खा लिया, जिनको गेस्ट्राइटिस है, बहुत एसिड बनने वाले हैं, तो ऐसे मैंने देखा है अक्सर पेशेंट बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये वेदर चेंजिंग वाला टाइम होता है, लोग नहा रहे हैं होली पे, ऐसे ही धूल में घूम रहे हैं, धूल भरा त्योहार है, धूल वाला कलर पहुंच गया, तो मैंने देखा है अस्थमा के पेशेंट इन दिनों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा मैंने देखा है कि ये ब्लड शुगर, जैसे कि आपने बात किया कि ब्लड शुगर का जो डिस्टर्बेंस है वो वाले भी पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस टाइम पे मैं देखा है कि हार्ट अटैक के भी जो रोगी हैं, जिन लोगों ने दवाई ववाई छोड़ दी होती है, वो भी काफी देखने को मिलते हैं। जी, जो स्किन के डॉक्टर हैं तो वो मैंने देखता हूँ कि स्किन की प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इन दोनों में देखने को मिलते हैं। शायद वो प्रॉब्लम आपके माध्यम से अगर सुनेंगे तो बचेगी उनकी। जी बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर बी के अग्रवाल, जिनसे आज हमने बहुत सारी चर्चा करी कि रंगों का त्यौहार है, इस मौसम में, इस फेस्टिवल में आप किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं। आप मिठाई खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के हिसाब से आपको अपनी मिठाई खानी है, और उसके बाद आपको डॉक्टर से भी परामर्श करना है ताकि आप इन बीमारियों से बच सकें। दर्शकों, आज हमने बहुत सारी चर्चा की, मगर दर्शकों, अब आपसे वक्त तो चला विदा लेने का। डॉक्टर्स के साथ मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। होली रंगों का त्यौहार है, मिठाइयों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ जो मैंने थोड़ी सी टिप्स बताई थी उनका ध्यान रखते हैं। कोशिश करिए हर्बल कलर यूज़ करिए, कोशिश करिए खाने पीने का एक बैलेंस सिस्टम बना लीजिए, जिससे कि हम और आप बीमार ना पड़े। जी, तीसरा, अगर हम पहले से ही कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक से उन मेडिसिन को फिर से एडजस्ट करा लीजिए, जिससे कि हम त्यौहार के टाइम पर किसी भी चीज़ की कोई भी खतरे में न रहे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है हॉस्पिटल क्लोज होते हैं और आप परेशान होते हैं। तो हम पहले से ही अपनी दवाइयों को सबको एक अपना प्री चेकअप करा लें, तो जिससे कि आप त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करें। जी, बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी होली। जी दर्शकों, आज हमारे खास कार्यक्रम फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।